गेंदबाजी के साथ भाई साहब हारिस राव द टेपिया द टेंसिया फाइफर लेके चला गया। रिजवान की कप्तानी बहुत कुछ है बात करने को भाई। हारिस राव की बॉलिंग, शाहीन अफरीदी की बॉलिंग, साथ में आपका जिस हिसाब से रिजवान ने कप्तानी करी है, एक तरह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा है। जो एक घमंड लेके आ रहे थे ना कि नहीं जी हम तो वर्ल्ड चैंपियन है, हमसे अच्छा तो ओडीआई क्रिकेट कोई खेल ही नहीं सकता, हम ही है गॉड फेवरेट चाइल्ड। उन्होंने बोला गॉड फेवरेट चाइल्ड तुम होंगे, वर्ल्ड चैंपियन तुम होंगे अपने घर में, लेकिन इस बार पाकिस्तान तुम्हारे घर पे तुम्हें ही पैक करके चला जाएगा भाई साहब। एक ओडीआई हार गए थे, हार गए थे, तुक्के से हार गए, चलिए कोई बात नहीं, पैट कमिंस आ गया। इस ओडीआई में क्या कर लोगे, 163 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग को निपटा के रख दिया है। जेक फ्रेजर में गर्क, मैथ्यू शॉट, स्मिथ, लबुशेन, जिस मर्जी को ले आओ, मैक्सवेल, एक एक करके सारे के सारे खत्म होते रहे। सबको ताबूत में पैक करा कि बेटा हो गया तुम्हारा, चलो निकलो। और बाय द वे रिजवान की कप्तानी आज जो निखर के आई है, जो आज दिखी है प्रेशर के अंडर, भैया एक पार्टनरशिप नहीं लगने दी उसने, एक पार्टनरशिप। ऊपर से आपका फ्रेजर मैकगर्क मार रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा भैया, उसको आउट कर दिया। शॉट मार रहा है, शॉट को आउट करवा दिया। उसकी बॉलिंग रोटेशन यार, शाहीन से विकेट नहीं निकल रही है, आप लेके आ जाओ हारिस रॉफ को। हारिस से विकेट नहीं निकल रही है, आप ले आओ हसनैन को। हसनैन से नहीं निकल रही है तो सैम अयूब के ले आओ, और अगर सैम अयूब छक्के खाएगा ना तो उसको भी हटा दूंगा, किसी और को ले आऊंगा, वो विकेट लेके चला जाएगा। 163 रन, सोच सकते हैं आप, आज किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये 200-250 लोग, तो कोबरा तो 300 बोल रहे थे आज भैया। जब मैच शुरू नहीं हुआ था तो कोबरा ने तो बोला था कि ऑस्ट्रेलिया देखिए आज आपको ओडीआई में T20 क्रिकेट दिखाएगा। उन्होंने T20 छोड़ी है, उन्होंने 163 बोला कि चलो बेटा जाओ, तुमने आधे भी नहीं बनाने, ऑलमोस्ट 300 के आधे ही बनाए, ऑलमोस्ट 300 के आधे बनाए। अब बात मेन ये है, क्योंकि बार बार ये बात चल रही है कि देखो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को काउंट आउट नहीं करना चाहिए, और अल्टीमेटली ये द पाकिस्तानी टीम है जो एक इकलौती टीम है, यहां से भी मैच हार सकती है। बट जो कॉन्फिडेंस मुझे दिखा है, जो वो हडलो में आखिरी में गए भी हैं ये लोग, जो रिजवान ने वो हडलो बनवाया था, पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई थी एक साथ, यहां से एक ही कहानी मुझे समझ आ रही है कि भैया पाकिस्तान की जीत, जो कॉन्फिडेंस इनको मिला हुआ है। और ये बूस्ट पता कब मिला गोबरा इनको, ये बूस्ट मिला इनको इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज की जीत से। इनका क्रिकेट रिवाइव करके रख दिया इन्होंने, हालांकि क्रिकेट रिवाइव में तब बोलूंगा जब आप ये सीरीज जीतोगे, ये मैच नहीं है, सीरीज जीतोगे, जीत सकते हो। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान दूसरे ओडीआई मैच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। 7 साल के बाद पाकिस्तान ने किसी भी बड़े ओडीआई मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हराया। ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड में एक तरफा हराया। क्योंकि बात करते हैं पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की, तो पाकिस्तान टीम के बॉलर हारिस रऊफ की बॉल खूब चली, और ऐसी चली कि उसके सामने ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज जिसमें ट्रेविस हेड, मैक्सवेल स्मिथ अपने होम ग्राउंड में ढेर हो गए। हालांकि लग रहा था कि आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम सरप्राइज करेगी, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर पहले सरप्राइज कर गए, और पाकिस्तान के बॉलर ने ऐसा सरप्राइज किया कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज खड़े ना हो सके। लेकिन आज के मैच में अगर बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने गिरते पड़ते 160 प्लस स्कोर किया, जिसको पाकिस्तान टीम ने आसानी पूरा कर लिया। लग भी रहा था कि पाकिस्तान पूरा करेगा, लेकिन सिर्फ देखना यह था क्या साइम अयूब अब्दुल्ला शफी की पार्टनरशिप चलेगी, और वही हुआ। साइम अयूब जिसके काफी देर से एक बैटल चल रही थी, लेकिन आज के मैच में गुड़ा चली और 82 रन की शानदार सेंचुरी खेली। लेकिन लग रहा था कि आज के मैच में साइम अयूब सेंचुरी करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बड़ी अच्छी बारी खेली, शानदार क्लासिक बारी खेली। उनका साथ दी अब्दुल्ला शफीक ने, और अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग में खासी काबिलियत दिखाई दी। उसके बाद वन डाउन आए बाबर आलम, बाबर आलम ने आखिरी बॉल पर एक स्कोर रही था, बाबर आलम ने छक्का मार के बेस्ट मैच फिनिश किया। ये एक अच्छा मैच फिनिशर था, और दूसरा एक अच्छा जेस्चर जाते आने वाली टीम को कि आपके लिए हमें टोटल था वो बिल्कुल मामूली था। और ये बात हर खिलाड़ी के लिए काबिल अकमल है कि वो आखिरी बॉल पर छक्का मारे, जिससे जो फाइनल एंड होगी वो बहुत शानदार हो जाती है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान टीम फॉर्म में वापस आ रही है। पहले ओडीआई मैच के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स ने खूब जान मारी और ऑस्ट्रेलिया टीम को बहुत तंग किया, और दूसरे मैच में तो ऑस्ट्रेलिया को हरा कर, एक तरफा हरा कर मैच जीते अपने नाम की, तो ये खतरे की घंटी है बाकी टीमों के लिए कि आगे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान टीम मजीद मजबूत हो सकती है। हारिस से विकेट नहीं निकल रही है, आप ले आओ हसनैन को। हसनैन से नहीं निकल रही है तो सैम अयूब के ले आओ, और अगर सैम अयूब छक्के खाएगा ना तो उसको भी हटा दूंगा, किसी और को ले आऊंगा, वो विकेट लेके चला जाएगा। 163 रन, सोच सकते हैं आप,
आज किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये 200-250 लोग, तो कोबरा तो 300 बोल रहे थे आज भैया। जब मैच शुरू नहीं हुआ था तो कोबरा ने तो बोला था कि ऑस्ट्रेलिया देखिए आज आपको ओडीआई में T20 क्रिकेट दिखाएगा। उन्होंने T20 छोड़ी है, उन्होंने 163 बोला कि चलो बेटा जाओ, तुमने आधे भी नहीं बनाने, ऑलमोस्ट 300 के आधे ही बनाए हैं, ऑलमोस्ट 300 के आधे बनाए हैं। अब बात मेन ये है, क्योंकि बार बार ये बात चल रही है कि देखो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया को काउंट आउट नहीं करना चाहिए, और अल्टीमेटली ये द पाकिस्तानी टीम है जो एक इकलौती टीम है यहां से भी मैच हार सकती है। बट जो कॉन्फिडेंस मुझे दिखा है, जो वो हडलो में आखिरी में गए भी है ये लोग, जो रिजवान ने वो हडलो बनवाया था, पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई थी एक साथ, यहां से एक ही कहानी मुझे समझ आ रही है कि भैया पाकिस्तान की जीत, जो कॉन्फिडेंस इनको मिला हुआ है। और ये बूस्ट पता कब मिला कोबरा इनको? ये बूस्ट मिला इनको इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज की जीत से। इनका क्रिकेट रिवाइव करके रख दिया इन्होंने। हालांकि क्रिकेट रिवाइव में तब बोलूंगा जब आप ये सीरीज जीतोगे, ये मैच नहीं है, सीरीज जीतोगे, जीत सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार पकड़ा हुआ है, दूसरी बार फिर पकड़ा है भैया, फिर पकड़ के रख दिया इनको, तो खत्म हो गए। मैं तो बस एक चीज बोलूंगा, अगर पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को 35 ओवर में अगर ऑल आउट कर देती है, 35 ओवर में आउट कर रही है, तो सॉरी टू से तुम भी ओडीआई खेलना भूल गए हो भाई। भूल गए आप, हो गए ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन, इंडिया को हराया था अपने घर में आके भाई, लेकिन आप भूल चुके हो ओडीआई खेलना। मैथ्यू शॉर्ट, फ्रेजर मैकगर्क हो गया, लबुशेन हो गए, स्मिथ हो गए आपके, मैक्सवेल फर्जी दादा हो गए, लास्ट में आके जैम्पा तुम्हारे लिए छक्का लगा रहे हैं। जैम्पा के वो जो 10-12 रन निकाल लो तो तुम 150 रन नहीं बना रहे थे। लास्ट में आके कमिंस ने वो छक्के चौके लगाए। भैया 140 में पैक कर दिया था आपको पाकिस्तान की टीम ने। और मैं भाई बड़े पॉजिटिव है, अगर आप बात करेंगे ना फ्रॉम द स्टार्टिंग और 35 ओवर तक आप देखो, इतने सारे पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। बॉलर जान मार रहे हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव तो मैं एक बोलूंगा बॉलर्स का, भाई टेपिया 5 विकेट, टेपिया नहीं, हारिस रॉफ 5 विकेट लेके गया है। तो नहीं है वो भाई, अब क्यों बोलोगे टेपिया उसको, 5 विकेट आपके लिए हारिस रॉफ लेके गया, पहला फाइफर अपना। भाई सैम अय्यूब के लिए 5 विकेट क्यों लिख दिए? हारिस रॉफ सही कर लीजिए इसको, ने 5 विकेट लिखी है, 5 विकेट लिए हैं, 2 विकेट आपके लिए शाहीन शाह अफरीदी लेके गए, शुरुआत शाहीन ने अच्छी करवा दी, यहां पर मैथ्यू शॉर्ट और मेगर को आउट कर गया, बीच में हसनैन बच्चा वो आपके लिए आउट कर गया, स्टीव स्मिथ को, लबुशेन को आउट किया वहां पर हारिस रॉफ ने। तो सबसे पहली जो पॉजिटिव मैं देख रहा हूं वो है कि बॉलर्स ने जो जान मारी है, 5 विकेट हारिस रॉफ, 3 विकेट शाहीन अफरीदी, 1 लास्ट में टेल को आउट करके नसीम लेके चले गए, 35 ओवर में पैक कर दिया। और आप ये देखिए, जब जब थोड़ी बहुत भी पार्टनरशिप हुई है ना, तब तब जो है रिजवान ने अपने मेन बॉलर्स लगाए। पहला पॉजिटिव बॉलर्स, दूसरा पॉजिटिव प्रोएक्टिव कैप्टनसी बाय रिजवान। आप देख लें 21 रन, 2 ओवर में 20 रन थे, शुरुआत के जब शुरुआत हुई थी 1 ओवर में 3 चौके लगा दिए थे मैकगर्क ने नसीम को, 2 ओवर में 20 रन थे 21, फिर अपना 41 पे दूसरी विकेट गई आपकी।